क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक देखा है? और आखिर इतने बड़े बड़े ट्रक फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते होंगे? दोस्तों, ट्रक बनाने के लिए हम दुनिया का सबसे मजबूत धातु इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। अब बात करें ट्रक के स्पेयर पार्ट्स की, तो इन्हें हम बाहर से मंगवाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रक का फ्रेम कैसे बनाया जाता है, और इसकी बॉडी को बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन से इसमें गियर बॉक्स हेडलाइट लगाने के लिए इसकी बॉडी फ्रेम में होल पहले से ही कर लिए जाते हैं। और फिर आगे इसमें जरूरी चीजें जैसे कि सस्पेंशन, एयर टैंक, ब्रेकेज को बड़ी सावधानी से और मजबूती से इसमें फिक्स करते हैं। इसके बाद अब इसमें वायरिंग की जाती है। दोस्तों, ट्रक में वायरिंग कुछ अलग ढंग से की जाती है। आपको बता दें कि वायरिंग करते समय ये प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है। फिर इसे एक असेंबली लाइन में ले जाकर इसमें एक्स्ट्रा सस्पेंशन और फ्रेम माउंटेड पार्ट को एक साथ मिलाकर असेंबल किया जाता है। अब दोस्तों, ये सब होने के बाद इसे एक दूसरे स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां पर इस पर पेंटिंग का काम होता है। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में अलग अलग रंगों के ट्रक दिखाई देते हैं। ट्रक को आकर्षक बनाने के लिए इस पर पेंटिंग की जाती है। दोस्तों, ट्रक की बॉडी पर पेंट लगाने के लिए एक खास किस्म के रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक एक करके सारे ट्रक्स को पेंट करता है। पेंट हो जाने के बाद इस ट्रक को एक बहुत बड़े ओवन में ले जाते हैं, और जहां पर इस पर लगे पेंट को सुखाने की प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रकों में डीजल का इंजन लगाया जाता है, और ये डीजल इंजन काफी बड़े बड़े होते हैं। जी हाँ, इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में डीजल इंजन का पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर जब एक बार पेंट सूख जाता है, तो ट्रक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके डीजल इंजन को असेंबल कर दिया जाता है। डीजल इंजन को लगाने के बाद इसके बाकी के पार्ट्स जैसे कि क्लच और आदि पार्ट्स को इलेक्ट्रिक वायरिंग की मदद से इसके इंजन के साथ में जोड़ा जाता है। इंजन और उसके बाकी पार्ट्स को असेंबल करने के बाद अब हम इसके बॉडी में लगे डीजल बॉक्स में डीजल और बैटरी बॉक्स में बैटरी को लगा देते हैं, और इसे अच्छे और मजबूती से फिक्स कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद इस असेंबल ट्रक को एक बड़े से जैक पर रखकर इसे खड़ा किया जाता है, जिसके बाद इन ट्रक्स में इनके टायर्स को फिट किया जाता है। दोस्तों, ट्रक का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके लिए इसके पहियों को मजबूत होना और इनकी असेंबलिंग काफी ध्यान से करी जाती है। दोस्तों, ट्रक का साइज काफी बड़ा होता है, जिसको देखते हुए इनके कैबिन को उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ताकि ट्रक के ड्राइवर को सफर में तकलीफ ना हो। और ट्रक के केबिन को लगाने के लिए ट्रक को एक अलग असेंबली लाइन में ले जाया जाता है, जहाँ पर इसमें डिजाइन किया हुआ केबिन असेंबल करते हैं। इसके बाद इसमें पहले से ही मंगवाए गए स्पेयर पार्ट्स जैसे कि विंडोज, हेडलाइट्स और बाकी की चीजों को ट्रक में अच्छे से और मजबूती से फिक्स किया जाता है, जिससे इसका नया एक लुक बनकर तैयार होता है। अब केबिन को असेंबल करने के बाद केबिन के अंदर इसके सीट को असेंबल किया जाता है। इन सीट्स को भी काफी सावधानी से डिजाइन और असेंबल किया जाता है, ताकि ड्राइवर को कोई तकलीफ ना हो। अब दोस्तों, मार्केट में भेजने से पहले इन ट्रक्स को अच्छी तरह से वातावरण में टेस्ट किया जाता है, ताकि पता चल सके कि ट्रक ठीक से चल रहा है या उसमें कितना दम है। फिर इस ट्रक के हर फंक्शन को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, और फिर इन टेस्ट के पास हो जाने के बाद ही इन्हें मार्केट में भेजा जाता है, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, इसी तरह से बनते हैं ये ट्रक।